मैं स्कूटी पे भारत भ्रमण पे निकला हूँ अपने रैगनार पेट जर्मन शेफर्ड के साथ, और अभी फिलहाल मैं पहुँचा हूँ चावंड। और आखिर क्यों ना हो, ये जगह को बहुत लोग नहीं जानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ कि आखिर ये जगह में क्या ऐसी चीज़ें हुई, क्या खास बात है, यहाँ कौन से वीर योद्धा ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था पोलो फॉरेस्ट के बारे में, जहाँ पे हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप जी कुछ समय के लिए स्टे किए थे, फिर उसके बाद डायरेक्टली वो आ गए थे चावंड की ओर। चावंड में प्रवेश करते के समय मुझे सबसे पहला महाराणा प्रताप जी का स्मारक मुझे मिला, जो एक बड़े से किले के बीच में बना हुआ है, तो मैं अभी वहाँ पर लेकर के चलता हूँ स्मारक के पास। मेन गेट में ताला लगी हुई थी तो रैगनर जा नहीं पा रहा था, और ये काफ़ी छोटा स्पेस पड़ गया रैगनर के लिए, तो किसी भी तरह मैंने चाबी मंगवाया, फिर रैगनर को भी एंट्री मिला। दोस्तों, अकबर हज़ारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता है, महाराणा प्रताप हज़ारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहला पाता है। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेजों और कम्युनिस्टों ने लिखा है, और उन्होंने उन लोगों को महान बनाया है जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया, भारत की संस्कृति को ख़त्म किया, जहाँ पर धर्म परिवर्तन किया गया, उसका मान मर्दन कर भारतीय गौरव को नष्ट किया गया। तो आप ताजमहल को छोड़िए, लाल किला को छोड़िए, और राजस्थान पधारिए, आपको यहाँ पर हमारी संस्कृति दबी पड़ी हुई मिलेगी, इसको प्लीज़ आप बाहर निकालिए। दोस्तों, महाराणा प्रताप का ये स्मारक बना हुआ है, और वो अपने सैनिकों के साथ भी है। यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखा, कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे कुछ महिलाएं दिखे और कुछ बच्चे दिखे जो साफ़ सफाई कर रहे थे और उनकी पूजा कर रहे थे। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ समाधि स्थल में, जहाँ पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। जैसमंद पहुंच